हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आप लोगों के लिए न्यू किचन टिप्स लेके हम आ गए। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो हमारे कामों को बहुत आसान बना देते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हमने कौन कौन से टिप्स शेयर किया है, तो चलिए देख लेते हैं पहली टिप्स कौन सी है। पहली टिप्स इस प्रकार, जैसे कि स्पंज वाइप से है जो किचन क्लीनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो इसके यानी क्लीनिंग भी जरूरी रहता है। जैसे इस समय बरसात के मौसम में और सूखता नहीं थे, इसमें फंगस वगैरह लगने लगता है, तो इसको क्या करना है कि आपको गर्म पानी करना है। गर्म पानी में थोड़ा सा पाउडर डाल देना है और इसमें एक चम्मच के करीब आप डाल दीजिए डिटॉल। डिटॉल इसमें डाल के इसको अच्छे से इस डिप करी अच्छे से मिला दीजिए और इसको यानी 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, अच्छे से ये फूल जाएगा और जो इसमें जम्स वगैरह होंगे तो ख़त्म हो जाएगा, अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको इसी पानी में रहने दीजिए और इसको रख दीजिए 10 मिनट के लिए। तो इसको 10 मिनट के लिए रख देते हैं, तब से 10 मिनट के बाद इसको हम क्लीन करेंगे। तो देखिए 10 मिनट हो चुका है, अच्छे से ये जो है तो फूल गया है। अब इसको हम साफ पानी से क्लीन कर देंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम कोई वीडियो डालते हैं आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो देखिए ये अच्छे से जो है तो क्लीन हो गया है, इसमें जो जम्स वगैरह है अच्छे से साफ हो गया है। और इसको साफ पानी से इसको क्लीन करके आप अगर धूप करा है तो थोड़ा सा धूप में डाल दीजिए तो अच्छे से सूख जाए। अगर धूप नहीं है तो पंखा के नीचे ऐसे रख दीजिए तो अच्छे से इसका जो पानी है तो सुखा जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आप सुखा सकते हैं। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं, अगली टिप्स कौन सी है। अगली टिप्स भी बहुत कमाल की है। क्या है कि इसमें बरसात का सीजन आ गया है और बरसात के साथ क्या रहता है कि मक्का भुट्टा भी आने लगता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को कैसा लगता है इसका खाने में, आप लोग को पसंद है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस समय क्या है, वो ये मक्का आ रहा है तो इसको आप मार्केट से लाइए और इसको बहुत तरीके इसकी डिश जो होती है तो बहुत तरह तरह की डिश बनती है, तो एक डिश आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। तो इसका जो ऊपर का छिलका था तो उसको निकाल लिए हैं और इसके हम छोटे छोटे पीस कट कर लेते हैं। तो आप लोग यानी भुट्टे का कैसे कौन कौन सी डिश बनाते हैं, कैसे इसको खाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसको चलिए आप फटाफट कट कर लेते हैं। इसके क्या होगा कि जैसे कुकर में उबालेंगे ना तो उबालने में थोड़ा सा आसानी रहेगा, जो बड़े बड़े पीस रहते हैं तो थोड़ा सा, जैसे कुकर छोटा है तो थोड़ा सा दिक्कत जाता है। तो इसको कट कर लिए हैं और इसको थोड़ा सा पानी में डाल देते हैं, क्लीन कर देते हैं अच्छे से, जो इसमें इसके बाल वगैरह जो रहते हैं ना तो अच्छे से पानी में डाल देंगे तो निकल जाएगा, तो उबालेंगे तो उबालने के साथ में नहीं रहेगा। तो इसको चलिए अच्छे से क्लीन यानी पानी से साफ कर लिए है। अब कुकर ले लेते हैं, कुकर में भी पानी डाल दिए हैं इसमें, और इसमें पूरा जो मक्का है तो उसको हम इसमें डाल देते हैं, पूरे मक्का को डाल दिए हैं। अब चलिए इसको रख देते हैं गैस पर उबलने के लिए। तो गैस ऑन कर दिए हैं, इसको रख देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देते हैं जिससे पानी ऊपर ना आए, तो इसमें नमक डाल दिए हैं, आधा चम्मच के करीब नमक डाले हैं। आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग नमक इसमें डाल दीजिए। अब इसको लीड जो है तो लगा देते हैं, इसमें 6 सीटी लगवाएंगे जिससे ये अच्छे से उबल जाए। तो इसका जो लीड है तो लगा दिए हैं, ये देखिए। अब इसको हम रख देते हैं, तो ये उबल चुका है। अब इसको हम गैस से नीचे उतार लिए हैं। अब इसको आप देख लेते हैं उबला है कि नहीं, खोल के तो देख सकते हैं। ये देखिए अच्छे से ये जो है तो उबल चुका है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं पूरे मक्का को, ये देखिए निकाले, छन्नी में निकाले, जो पानी वगैरह होगा तो नीचे ये निकल जाएगा। तो इसको फटाफट निकाल लेते हैं। और खाने में यानी बरसात के मौसम, बारिश हो और फिर मक्का का अच्छे से इसको बनाओ भूनो और खाओ तो इतना खाने में टेस्टी लगता है और इसके फायदे भी बहुत सारे होते हैं मक्का के। तो इसको आप बरसात के मौसम में अच्छा मिलता है खाने में भी, इसका टेस्ट भी बरसात के मौसम में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसे आप बरसात के मौसम में है तो इस समय आप इसका मक्का का लाइए और इसको बनाइए, भूनिए, इसको भूज के भी खाते हैं हम यानी वही। तो इसकी बहुत तरह की डिशें बनती हैं तो आप बना के खा सकते हैं। तो इसको चलिए इसके एक
आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं। चटपटी डिश है, तो इसमें थोड़ा सा आपको पैन लेना है और 2 चम्मच के करीब इसमें घी डाल देना है। अगर आप घी नहीं पसंद है तो बटर डाल दीजिए, नहीं तो थोड़ा हल्का सा डाल दीजिए। अगर आपको घी बटर दोनों नहीं पसंद है तो ऑयल, जो ऑयल पसंद है उसको डाल दीजिए। तो इसमें थोड़ा सा हम डाल दिए हैं। अब इसमें जो मक्का है तो इनको भी डाल देते हैं। डाल के इनको, गैस को मीडियम रखना है, गैस को तेज नहीं रखना है, और इस प्रकार से इसको थोड़ा सा हम चला देते हैं। तो इसको चलाते हुए अलट पटल, यानी अलट पलट के इसको अच्छे से चला देते हैं। तो देखिए अलट पलट कर इसको अच्छे से मिला दिए हैं। और इसमें अब क्या डालना है, चाट मसाला। चाट मसाले से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, चाट मसाला ज़रूर इसमें डालिएगा। तो 1 चम्मच इसमें चाट मसाला डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिला देते हैं इस प्रकार से। ये देखिए इसको मिला दिए हैं। अब इसमें अगर आपको तीखा खाना ज़्यादा पसंद है तो इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, नहीं तो चिली फ्लेक्स डाल दीजिए। तो इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए, इसमें हम थोड़ा कम ही डाले हैं, ज़्यादा यानी चिली फ्लेक्स ज़्यादा नहीं डाले हैं। तो इसमें थोड़ा सा डाल के चिली फ्लेक्स इसको भी अच्छे से मिला देते हैं इस प्रकार से। तो देखिए अच्छे से इसको मिला दिए हैं। अब इसमें हम क्या डालेंगे चलिए देख लेते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, टेस्ट अकॉर्डिंग काला नमक डालिएगा, और नींबू डाल देते हैं। 1 नींबू पूरा निचोड़ के इसमें हम डाल देते हैं अच्छे से। तो देखिए इसमें नींबू निचोड़ दिए हैं। अब नींबू को भी अच्छे से इसमें हम मिलाएंगे। तो ये देखिए इसको अच्छे से मिला देते हैं। अब गैस को मीडियम ही रखना है, गैस को तेज नहीं करना है। तो अच्छे से मिला दिए हैं। अब तो ये बनके डिश, चटपटी डिश बनके तैयार हो चुकी है मक्के की। तो आप ये बारिश के मौसम में बनाइए, खाइए, कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए एक प्लेट में प्लेटिंग कर लेते हैं इस प्रकार से। अगर आपको अलग से इसके वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, अलग से इसके वीडियो हम बना के आप लोग के साथ शेयर कर देंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से ये डिश रेडी हो गई है। तो ये कितनी जितनी अच्छी देखने में लग रही है ना, उतनी अच्छी खाने में भी है, बहुत टेस्टी लगती है। तो आप लोग बनाइएगा, खाइएगा, बताइएगा जरूर, और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अगली यानी टिप्स देख लेते हैं, अगली टिप्स कौन सी है। तो अगली टिप्स इस प्रकार, जैसे चावल से है, जब चावल हम बनाते हैं तो उसको धोते हैं, क्लीन करते हैं, तो जो पानी बचता है, तो जो यानी चावल को जब धोते हैं जो पानी निकलता है तो उसको हम फेंक देते हैं। तो उस पानी को फेंकिए नहीं, क्या करिए कि किसी बर्तन में इकट्ठा करके रख लीजिए, और बर्तन पानी को इकट्ठा, जितना पानी धोइए चावल को उतना पानी इकट्ठा करके रख लीजिए। और ये पानी क्या रहता है फ्रेंड, पेड़ पौधे के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। तो इस पानी को आप अपने पेड़ पौधे जितने गमले वगैरह में लगाए रहते हैं तो उन पेड़ पौधे में डाल दीजिए, तो ये खाद का काम करती है। तो इस प्रकार से ये पानी, चावल का जो पानी है, तो बहुत अच्छा रहता है पेड़ पौधे के लिए। तो कैसी लगी ये टिप्स जरूर बताइएगा। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स भी चावल से ही है। क्या रहता है कि चावल हम बनाते हैं, चावल को ऐसे तुरंत धोए, तुरंत बना लिए, तो इस प्रकार से ना बना के आप क्या करिए कि चावल को धोइए और थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। फिर जब थोड़ा सा फूल जाए, यानी 5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं रखना है कि एकदम से फूल जाए, और 5 मिनट के लिए रख दीजिए ढक के। फिर इसको आप पकाइए तो चावल जल्दी पकेगा और आपका गैस भी खर्च नहीं होगी ज़्यादा। तो इस प्रकार से आप चावल को पका सकते हैं। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं, अगली टिप्स कौन सी है। तो अगली टिप्स इस प्रकार, जैसे इमली से है। इमली क्या रहता है, हम लोग ला के घर में रखते हैं, तो इसको इमली को आप जैसे बाहर रख दिए, किसी कंटेनर वगैरह में ऐसे रख दिए बाहर, इसको न रख के आप इसको फ्रिज में रखिए, तो जो इमली काली हो जाती है, इसे बाहर रखेंगे आप, रख के देखिएगा 4-6 महीने बाहर रखेंगे तो इमली काली हो जाएगी, और फ्रिज में रखेंगे तो एकदम से फ्रेश ही बनी रहेगी। तो कैसे लगे ये टिप्स जरूर बताइएगा। तो चलिए अगली टिप्स में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।